आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। ₹15,000 के लेन देन को लेकर युवक की हुई हत्या, हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। छठ पूजा के आगाज से कोरिया में घाट हुए गुलजार, नहाए खाए के साथ शुरू हुआ महापर्व। ज्वेलरी दुकान में चोरी का मामला, पुलिस ने किया आरोपी महिला को गिरफ्तार। शहीद पुलिस कर्मियों की स्मृति में कार्यक्रम का आयोजन, शहीदों के परिवार को दी गई बधाई। अनुसूचित जनजाति प्रदेश अध्यक्ष ने किया प्रेस वार्ता, प्रदेश सरकार पर लगाया आरोप। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। दुर्ग में सिर्फ ₹15,000 की लेन देन को लेकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। बता दें कि मामला जिले के उताई थाने का है, जहां एक युवक ने उधार दिए पैसे मांगे जाने पर आवेश में आकर अपने ही मौसेरे भाई की पत्थर से सर कुचल कर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्त में ले लिया है और आगे की कार्रवाई जारी कर दी है। ग्राम परसाही में आज सुबह पुलिस को एक शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर मौके पर पुलिस टीम उपस्थित हुई। शव किसी नातगी अंडा निवासी ईश्वर प्रसाद साहू के रूप में हुई। उसके आने जाने के रूट में अंडा से जो परसाही है उसके सीसीटीवी की जांच की गई, जिसमें आरोपी योगेश के साथ उसके आने की बात पता चली थी। योगेश को पूछताछ करने पर, पहले तो अपना बयान बार बार बदल रहा था, जिसे पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपराध करना कबूल किया गया है, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि 15,000 उधारी लिया था, जिसे बार बार उसके द्वारा मांग की जा रही थी, जिससे तंग आकर आरोपी ने मृतक की पत्थर से सिर कुचल कर हत्या की है। हत्या की बात कबूल करने पर उसमें अपराध दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। खबर कोरिया से है, जहां चार दिवसीय व्रत और छठ महापर्व के चलते छठ घाट की तैयारी कोरिया जिले के बैकुंठपुर और कटकोना कॉलोनी में जोरों शोरों से छठ पूजा की तैयारियां की गई और छठ घाट में पहुंचकर साफ सफाई के साथ व्यवस्था बनाने में जुटी नजर आई। गौरतलब की बात यह है कि ठंड के मौसम को देखते हुए छठ व्रतियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसको देखते हुए क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने लगातार साथ मिलकर छठ घाट की समुचित व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। छठ पूजा भगवान सूर्य की उपासना का पर्व है और लोगों की श्रद्धा अपार है इस पर्व में, और तालाब जितने भी हमारे नगर पालिका के अंदर हैं उन तालाब का हम साफ सफाई कम से कम 8-10 दिन पहले से शुरू हो गया है और एकदम तालाब की बेहतरीन सफाई की गई है। नगर पालिका से पूरे कर्मचारी हमने लगा दिए हैं। नगर पालिका के 4 तालाब हमारे अंडर में आता है बैकुंठपुर में नगर पालिका क्षेत्र के अंदर। रामपुर तालाब, गढ़ेल पारा, खुटन पारा एक नया अभी बनवाया गया है नगर पालिका की ओर से उसका घाट, और राजा तालाब जिसमें ज़्यादा मात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ होती है उसमें हमने पुताई, रंगाई, लाइट की व्यवस्था, पानी टैंकर, और अगर कभी कोई ऐसा हादसा होता है तो वहाँ पे गोताखोर की व्यवस्था है। और मेरा सभी श्रद्धालुओं से अपील है कि छठ पूजा के दर्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर के आनंद ली पूजा का। भारत सरकार गृह मंत्रालय के आदेश अनुसार पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक कोरिया त्रिलोक बंसल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में पुलिस झंडा दिवस का आयोजन दिनांक 21-31 अक्टूबर 2022 तक किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कार्यक्रम के नोडल अधिकारी, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी एवं जिले की पुलिस टीम शुक्रवार को पंडित ज्वाला प्रसाद उपाध्याय शासकीय महाविद्यालय पटना पहुंचकर पुलिस झंडा दिवस के अवसर पर विधिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। इस दौरान भारी संख्या में छात्र छात्रा उपस्थित रहे।
खबर रायपुर से है, जहां भाजपा पूर्व मंत्री केदार कश्यप पूरे प्रदेश में आरक्षण को लेकर आदिवासी समाज और उसके अलग अलग संगठन लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार को किसी भी संगठन से बात करने की फुर्सत नहीं है और प्रदेश सरकार आदिवासी का अपमान करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि 85 लाख से ज्यादा लोग इस नृत्य समारोह का विरोध कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की सरकार जिस तरीके से यहाँ पर आदिवासी नृत्य महोत्सव का कार्यक्रम कर रही है, पूरे प्रदेश की हमारे आदिवासी समाज के लोग आज चक्का जाम, धरना, रैलियाँ, प्रदर्शन, सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, सरकार के नीतियों का विरोध कर रहे हैं। जिस तरीके से सरकार ने अपना मजबूती के साथ में पक्ष नहीं रखा, उसके कारण से हमारा जो आरक्षण है 32% से घट करके 20% पे आ गया है। सरकार को उसकी चिंता नहीं है, सरकार यहाँ पर खुशी मनाने जा रही है। आदिवासियों के लोग यहाँ पर, जब विभिन्न संगठन के लोग जब इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं, आदिवासी नृत्य महोत्सव का बहिष्कार कर रहे हैं, तो दूसरे प्रदेश और विदेशों से 1500 डेलीगेशन बुला करके हमारे आदिवासी समाज पर, दिल्ली पे नमक छिड़कने का काम ये सरकार क्यों कर रही है? भूपेश बघेल, इस बात का जवाब इस सरकार को देना चाहिए। खबर सरगुजा से है, जहां दीपावली से 5 दिन पहले गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी दुकान में खरीदारी करने के बहाने पहुंची 3 महिलाओं द्वारा सोने के जेवरों की चोरी की थी। इस मामले में सरगुजा पुलिस को महिलाओं के अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ने में सफलता मिली है। पुलिस ने महाराष्ट्र के नागपुर से 3 महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। सोनी ज्वेलर्स गांधीनगर क्षेत्र में एक उठाईगिरी की वारदात सामने आई थी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा था कि 3 महिलाओं ने उस दुकान में घुस के, और साथ में कुछ सहायककर्ता थे जिन्होंने वहाँ पे लगभग 1.5 लाख के ज्वेलरी को जो है थेफ्ट कर लिया था। मामले को गंभीरता से देखते हुए इसमें विशेष टीम का गठन किया गया था। इंस्पेक्टर कलीम खान, सब इंस्पेक्टर विजय दुबे और ASI भूपेश के अंडर में और एडिशनल SP CSP के सतत मार्गदर्शन में इसमें पूरी टीम लगी हुई थी, और लगभग 200 से ज़्यादा CCTV फुटेजेस का इसमें एनालिसिस किया गया, जिसके बाद में पूरा चीज़ों को ट्रैक करके इस केस को डिटेक्ट किया गया है। और 4 आरोपियों की, जिसमें 3 महिला और 1 पुरुष, नागपुर महाराष्ट्र से, उनकी गिरफ्तारी की गई है, जो घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट गाड़ी थी और साथ में जो जेवरात चोरी हुए थे 100% उसमें मशरू का बरामद किया। ज्वेलरी की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, वहीं पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि दिवाली के कुछ दिन पहले महिलाओं ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था, वहीं पुलिस ने आरोपित महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। सरगुजा पुलिस ने शहीद पुलिस कर्मियों की स्मृति पर अंबिकापुर के घाड़ी चौक में शहीद के एक नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि 21 अक्टूबर को शहीद पुलिस कर्मियों का स्मृति दिवस मनाया जाता है, जिसमें सरगुजा संभाग के शहीद परिवारों के घर जाकर सरगुजा रेंज IG अजय SP भावना गुप्ता सहित जिले के पुलिस अधिकारियों द्वारा शहीद परिवारों को दीपावली की बधाई दी गई, साथ ही शहीद परिवारों के हालचाल और समस्याओं को पूछा गया। पुलिस महानिदेशक महोदय और पुलिस मुख्यालय के निर्देश से पूरे हमारे जो है पूरे छत्तीसगढ़ में सभी जिलों में 21 से 31 अक्टूबर तक पुलिस शहीद दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शहीदों के परिवारों से मेल मिलाप, उनके साथ भाईचारा, एकता की भावना दिखाना और विभिन्न कार्यक्रमों के निर्देश प्राप्त हुए। इसी तारतम्य में आज ट्रैफिक पुलिस परिसर में शहीदों की याद में एक कार्यक्रम रखा गया है, जहां पे पुलिस बैंड के द्वारा देशभक्ति के गीत और अन्य कलाकारों के द्वारा देशभक्ति के गीतों के माध्यम से हमारे वीर शहीद जवानों को याद किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के मानिकपुर खदान प्रबंधन में 7 गांव के भू विस्थापितों ने शोषण का आरोप लगाया है। 7 गांव के सैकड़ों की संख्या ग्रामीणों ने रेलवे साइटिंग पहुंचकर कोल परिवहन बाधित कर दिया। ग्रामीणों की मांग है कि स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाए और खेतों में जो मिट्टी डाली जा रही है उसे भी रोक दिया जाए। बता दें कि ग्रामीणों ने एक दिन पहले भी धरना दिया था और मानिकपुर प्रबंधन की ओर से उप प्रबंधक अजय तिवारी ने ग्रामीणों को समझाने का असफल प्रयास किया था, पर मांग पूरी ना होने पाने कारण ग्रामीणों ने फिर से साइडिंग पर धरना दिया। इससे पहले हम लोग कई बार एसीसीएल को मतलब माइंस को बंद किए थे। उस समय भी एसीसीएल प्रबंधक द्वारा हमें केवल बोला गया था कि काम में रखेंगे, लेकिन उस समय भी हमको नहीं रखा। उसके बाद कल हम लोगों ने दादर साइड में जो काम चल रहा है उसको बंद करवाए थे, क्योंकि उस दादर में खड़ी फसल में एसीसीएल के द्वारा पूरा मिट्टी डंपिंग करते जा रहा था और जितने भी हमारे दादर खुर्दा में जितने भी घर बने हैं गांव सबको नोटिस भेजने का काम एसीसीएल के द्वारा कराया जा रहा था। इसके लिए हम कल पूरे दादर क्षेत्र में पूरा विरोध किए थे और पूरा खदान बंद करवाए थे। खबर दंत वेड़ा से है, जहां कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और नगरीय निकाय मंत्री डेहरिया पहुंचे और उनके साथ अन्य कई विधायक और पदाधिकारी भी दिखे। वहीं प्रदेश प्रभारी और नगरीय निकाय मंत्री ने दंतवाड़ा पहुंचकर मां दंतेश्वरी के दरबार पर माथा टेका और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आने वाले चुनाव में कांग्रेस को 75 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा किया। मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है और मेरे भी डिस्कशन हुआ है, उन्होंने कहा कि जो भी उपाय करना पड़े हम उपाय करेंगे, लेकिन जो किसी भी तरह भी जो आदिवासी समाज के लिए दो आरक्षण को कम नहीं होने देंगे। तो ये पूरी तरह से स्पष्ट है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है, सरकार हमारे साथ में है। रायपुर से लगे उरला इलाके से लापता युवक की लाश मिली है। 21 साल के युवक 25 सितंबर से लापता था, उसकी लाश मिली है। बताया जा रहा है कि वीआरएस कॉलोनी स्थित रेलवे पटरी के पास हत्या कर लाश को दफना दिया गया था। परिजन लगातार पुलिस के पास फरियाद लगा रहे थे, जिसके बाद आज पुलिस को लाश मिली है। इस मामले में 3 संदेशियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ जारी है, जल्द मामले का खुलासा होगा। जो प्रारंभिक जानकारी मिली है उसमें जो मृतक था वो जो मेन आरोपी है इसमें करीम, उसकी लड़की के साथ इसका कुछ संबंध था, जिसको लेकर करीम जो है उसने एक दो बार उसको वार्निंग भी दी थी कि मेरी लड़की से दूर रहा कर, और उसके बाद भी ये दोनों संपर्क बनाए हुए थे। उसी बात पर उसने अपने जो रिश्तेदार है उसका जो रिश्ते में साला लगता है फिरोज और उसका एक मित्र विश्वनाथ, उन दोनों को बोला था कि इसकी हत्या कर दे, और जिस पर इन दोनों आरोपियों ने उसकी हत्या की थी। छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।